डियर ऑल स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मैंने मेंडल के दो लॉ प्रूव किए थे। मेंडल का जो फर्स्ट लॉ था वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड जो लॉ था वो था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये दो जो लॉ थे ये मैंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू प्रूव किया था। और यहाँ पे मैंने F1 जनरेशन में लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रूव किया था, F2 जनरेशन में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन प्रूव किया था। ठीक है, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, दैट मींस कि डाईहाइब्रिड क्रॉस। और डाईहाइब्रिड क्रॉस में हम यहाँ पे दो जीन लेंगे और दो जीन के एलील्स का एक्सप्रेशन देखेंगे, उनका अशॉर्टमेंट देखेंगे। ठीक है, मतलब ये है कि जो आपके जीन के जो भी कैरेक्टर्स हैं वो कैरेक्टर्स जो है वो कैसे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट करेंगे, ये हम यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, ये जो आज का लेक्चर है इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को प्रूव करेंगे तो यहाँ पे आपको दो कैरेक्टर लेना ही होगा। अगर आप दो कैरेक्टर लेके क्रॉस नहीं कराएंगे और क्रॉस कराते समय आप F2 जनरेशन तक नहीं जाएंगे तो आपको यहाँ पे मेंडल का थर्ड लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पे दो कैरेक्टर लेना होगा और दो कैरेक्टर्स के एलियंस के इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को आपको अरेंज करना होगा और फिर वहां पे मेंडल का थर्ड लॉ प्रूफ होता हुआ दिखेगा आपको। ठीक है, एक और पॉइंट है कि जब आप दो जीन की बात करते हैं तो आपको ये चीज सोचना चाहिए कि क्रोमोसोम्स पे क्या ये दोनों जीन प्रेजेंट हैं एक साथ या अलग अलग क्रोमोसोम्स पे ये जीन प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते भी हैं और ये आपको सोचना भी चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूं कि ये दोनों जो जीन है ये सेम क्रोमोसोम्स पे होंगे या डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर सेम क्रोमोसोम्स पे ये प्रेजेंट है तो ये काफी डिस्टेंस पे होंगे, मतलब ये डिस्टेंटली अरेंज होंगे। ठीक है, इनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा, इनमें कोई भी लिंकेज नहीं होगा, ये चीज आपको नोट करना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आप ये सोचते हैं कि दोनों जीन्स जो हैं एक जगह पे प्रेजेंट हैं तो ये पॉसिबल है, बट वो डिस्टेंटली पोजिशन उनकी होगी। ठीक है, मतलब वो दूर दूर होंगे, उनके बीच में कोई भी लिंकेज नहीं होगा, उनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा, वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, दूसरा जो ऑप्शन है वो है कि दोनों जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम्स पे हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो दोनों पॉसिबिलिटी को आप लेके चलेंगे, आप एक चीज को इग्नोर करेंगे वो ये होगा कि कभी भी दो जीन मेंडल के अकॉर्डिंग लिंक्ड नहीं होंगे, मेंडल के अकॉर्डिंग लिंक्ड नहीं होंगे, ये चीज ध्यान रखना। लिंकेज जो वर्ड है ये मेंडल ने यूज नहीं किया था, मेंडल को ये पता था कि जितने भी जीन्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं, उनका आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, एज पर NCERT जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, जैसा कि मेंडल ने बताया था वो क्या है एक बार देखते हैं। यहाँ पे मेंडल ने बताया कि द लॉ स्टेट्स दैट व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेट्स, ट्रेट्स मींस कैरेक्टर्स, आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, जब आप इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो जब हाइब्रिड तक आप आते हैं तो हाइब्रिड तक आप F1 जनरेशन में आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगा, मतलब जब आप डाईहाइब्रिड क्रॉस को जब प्रेजेंट करेंगे तो वहां पे आपको F2 जनरेशन तक जाना होगा। F1 जनरेशन में आपको हाइब्रिड कंडीशन दिखेगा, बट जब आप F2 जनरेशन में जाएंगे तो वहां पे सेग्रीगेशन आपको दिखेगा पेयर ऑफ कैरेक्टर्स में, पेयर ऑफ कैरेक्टर्स में। ठीक है, ये आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक तरीके से डेफिनेशन हो गया। अगर वन लाइन में आपको अगर इंप्रेसिव डेफिनेशन देना है, जैसे कि बोर्ड के एग्जाम में आते हैं या आपके नीट में भी MCQ आते हैं, तो वहां पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो वहां पे आपको ये लाइन आपको फोकस करना होगा, इसको एज इट इज लर्न करना होगा। ठीक है, और बाद में इसको मैं समझाऊंगा भी कैसे ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है ना, अब मुद्दा यह है कि F1 जनरेशन में
F1 जनरेशन में एक चीज आपको और देखने को मिलेगा कि वहां पे जब मैं गेमिट्स बनाऊंगा तो हर एक गेमिट्स का जो है वो जो इन्वॉल्वमेंट होगा वो 25% होगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब आप F1 जनरेशन में गेमिट्स को बनाएंगे तो वहां पे आपको दिखेगा कि हर एक गेमिट्स जो है वो 25% इन्वॉल्व हो रहा है F2 जनरेशन के लिए। ठीक है, टोटल जो गेमिट्स होगा उसमें हर एक गेमिट का जो इन्वॉल्वमेंट होगा वो 25% होगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो टोटल जो गेमिट्स बनेगा वो तो 4 बनेगा। ठीक है, मैं अभी बताऊंगा आपको कि कैसे 4 बन रहा है, और जब 4 बनेगा तो वहां पे आपको हर एक का इन्वॉल्वमेंट जो दिखेगा वो 25% दिखेगा। ठीक है ना, ये सारा स्टेटमेंट आपको भी समझ में आ जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट एक बार फिर से हम एनसीईआरटी के उस पॉइंट पे चलते हैं जहां पे ये मेंशन है कि वन पेयर ऑफ कैरेक्टर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर्स। ये चीज थोड़ा ध्यान देना होगा, और इसको आप तभी समझ सकते हैं जब आप एटलीस्ट एक एग्जाम्पल ले लें आप। ठीक है, और यहाँ पे डाई हैबिट में आपको एग्जाम्पल लेना ही होगा, डाई हैबिट में आपको एग्जाम्पल लेना ही होगा, तभी आप इस स्टेटमेंट को समझ सकते हैं। और मैंने यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया है वो पी प्लांट का सीड का लिया है, पी प्लांट के सीड का मैंने एग्जाम्पल लिया है। और सीड में मैंने यहाँ पे जो कैरेक्टर लिया है वो है कलर और शेप, कलर और शेप। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कलर है, ठीक है, ये येलो भी है और ग्रीन भी है। जो येलो है ये डोमिनेंट है, और ग्रीन जो है वो क्या है, वो रेसेसिव है। येलो को कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं और ग्रीन को स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। सीड शेप की अगर बात करें तो सीड शेप आपका कैसा है, राउंड है और रिंकल्ड है। राउंड को कैपिटल आर से और रिंकल्ड को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये एक कैरेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसमें डोमिनेंट और रिसेसिव क्या है आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अब करना क्या है आपको, यहां से आपको स्टेटमेंट को मैच करना है। आप एक बार फिर से रीड करिए, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर्स। तो ये जो पेयर ऑफ कैरेक्टर्स है, ठीक है ना, ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, इससे इससे इंडिपेंडेंट है, यही चीज इस स्टेटमेंट में मेंशन है। ठीक है, और जब आप क्रॉस कराएंगे तो वहां पे और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपका क्रॉस है ये तो 100% जो है, कोई भी क्रॉस हो, वो टेस्ट क्रॉस हो, बैक क्रॉस हो, आउट क्रॉस हो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो, कोई भी क्रॉस हो, तो वो सारे के सारे क्रॉस जो है आपको जब आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जब आप उसको क्रॉस को कराते हैं, तब आपको वो 100% समझ में आता है। स्टेटमेंट तो एज इट इज आपको लर्न करना ही होता है, बट स्टेटमेंट को मजा तब आता है समझने में जब आप क्रॉस को कराते हैं, और क्रॉस को समझाऊंगा मैं अभी आपको, क्रॉस को अच्छे से मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, क्रॉस को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम कुछ और भी पॉइंट्स आपको डिस्कस कर लें जो एनसीईआरटी में मेंशन है। वो लाइन ये है कि जब आप डाई हाइब्रिड क्रॉस को कराते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस को कराते हैं, और वहां पे आप गेमिट्स का अरेंजमेंट या एलियल्स का जब अरेंजमेंट आप समझाते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं कि जब आप F2 जनरेशन में जीनोटाइप्स को मेंशन करते हैं, तो वहां पे आपको पूनट स्क्वायर चार्ट की जरूरत होती है, पूनट स्क्वायर चार्ट के हेल्प से आप अच्छे से गेमिट्स को अरेंज करते हैं, एलियल्स को अरेंज करते हैं, और F2 जनरेशन में जो भी रिजल्ट आने वाला है, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रिजल्ट जो भी आने वाला है वो आप लाते हैं। पूनट स्क्वायर है तभी ये रिजल्ट्स अच्छे से आप स्टडी कर पाते हैं, पूनट स्क्वायर अगर नहीं होता तो ये डिफिकल्ट होता है स्टडी करने में। ठीक है, यही चीज मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। पूनट स्क्वायर कैन बी इफेक्टिवली यूज टू अंडरस्टैंड द इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन ऑफ टू पेयर ऑफ जीन्स। ठीक है, मतलब फर्स्ट पेयर कलर का होगा और सेकेंड होगा शेप का। ड्यूरिंग द मियोसिस एंड प्रोडक्शन ऑफ एग्स एंड पॉलन, दैट मीन्स कि मेल गैमेट्स इन द F1 जनरेशन, में जो रिजल्ट मिलेगा आपको वो क्या मिलेगा रिजल्ट, ये रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों रिप्रेजेंटेशन चलेगा। ये आपका F1 जनरेशन का रिजल्ट होगा। अब इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं क्रॉस करा के। ठीक है, तो अब शुरू करेंगे हम क्रॉस कराना, और क्रॉस जब कराएंगे तो वन बाय वन हम सारे स्टेप्स को
मेंशन करेंगे और आपको भी वैसे ही लेके चलना होगा। और एक चीज और है, अभी तक आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा, ठीक है, आपने टेस्ट क्रॉस पढ़ा, रेसिप्रोकल क्रॉस पढ़ा, ये सब कुछ पढ़ा आपने, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि वहां पे आप जीन एक सिंगल ले रहे थे, एक जीन में आप सारे एक्सप्रेशन की स्टडी कर रहे थे। बट जब आप डाई हाइब्रिड क्रॉस स्टार्ट करते हैं तो वहां से क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है, वहां से कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। और जब कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है तो आपको प्रॉपर अरेंजमेंट, मतलब कि जब आप क्रॉस को रिप्रेजेंट करेंगे कॉपी पे या बोर्ड पे, तो आपको प्रॉपरली वहां पे हर एक चीज, हर एक पॉइंट मेंशन करना होगा। और आप जब भी क्रॉस कराइए तो उसमें शॉर्टकट मत करिए। शॉर्टकट करेंगे तो क्या होगा, स्पेशली मैं क्लास 12 के लिए बोल रहा हूँ, जब आप शॉर्टकट करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। जब आप कुछ टाइम के बाद जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत सारे क्वेश्चंस पे, आपके मेंडल्स के जो भी, जेनेटिक्स के जो भी क्वेश्चंस हैं उस पे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो उसके बाद से आप शॉर्टकट कर सकते हैं। बट इनिशियली आप क्या है, वन बाय वन सारे स्टेप्स को मेंशन करते जाएंगे और देन आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। और डाईहेड्रल क्रॉस एक अच्छा टॉपिक है, ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं। और डाईहेड्रल क्रॉस जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद जो है मैं डाईहेड्रल क्रॉस को टेस्ट क्रॉस से भी रिलेट कराऊंगा, ठीक है ना। तो ये चीज हम समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे ध्यान देना है कि जब आप क्रॉस कराएंगे तो आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों को सोचना है और दोनों के अकॉर्डिंग आपको फाइनली आंसर लेना है। और देन लास्ट एट लास्ट आपका क्या होगा कि आप इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आप प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। जो मेंडल का थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो आप प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है ना, क्रॉस को स्टार्ट करते हैं। क्रॉस को स्टार्ट करने के लिए जो है आपको हर एक एलियल्स को प्रॉपरली अरेंज करना होगा। यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूं, यहाँ पे मैं पहले ले रहा हूं कैपिटल वाई, ठीक है, कैपिटल आर, मतलब कि जो फर्स्ट जो प्लांट मैं ले रहा हूँ, ये फर्स्ट प्लांट है आपका। और इस प्लांट में आप सपोज कर लो कि यहाँ पे जो सीड है वो सीड जो है वो कैसा है, येलो है, होमोजाइगस कंडीशन में दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे कैपिटल वाई है, ठीक है। और जो आपका सेकेंड जो जीन का एक्सप्रेशन है वो है राउंड, ठीक है। राउंड किसका है, ये मैं बात कर रहा हूँ सीड की शेप की, सीड की शेप जो है वो राउंड है, वो होमोजाइगस कंडीशन में है, ठीक है। सिमिलरली आप आ जाओ यहाँ पे स्मॉल वाई स्मॉल आर प्लांट, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो क्या है, ग्रीन है, और ग्रीन किस फॉर्म में, होमोजाइगस फॉर्म में। और मैंने आपको बताया भी है, आप अच्छे से लर्न करना कि जब आप रेसेसिव जीन की बात करते हैं तो रेसेसिव जीन को हमेशा जब भी एक्सप्रेस करना होगा वो होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस कर सकता है। ये लाइन आप नोट कर लो, बहुत सारे क्वेश्चंस में ये लाइन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। मैंने आपको बताया कि रेसेसिव का जब एक्सप्रेशन होता है तो रेसेसिव किस फॉर्म में होता है, होमोजाइगस फॉर्म में होता है। हेटरोजाइगस में रेसेसिव मेंडल के अकॉर्डिंग एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, ठीक है। और ये मैंने प्रूफ किया है लॉ ऑफ डोमिनेंस में, बट डोमिनेंट के साथ ये नहीं है, डोमिनेंट जो है ये होमोजाइगस फॉर्म में भी एक्सप्रेस करता है और हेटरोजाइगस फॉर्म में भी एक्सप्रेस करता है, ठीक है। फिलहाल हम अपने टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक में हम, मैंने बताया कि इनिशियली हमको क्या करना है, हमको दो प्लांट लेने हैं और दोनों प्लांट में सीड के शेप और कलर को लेकर जो एलियल्स का अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरीके से आपके सामने देखने को मिलेगा। इसमें जो फर्स्ट मैंने प्लांट लिया है उस प्लांट की सीड जो है वो कैसे है, येलो और राउंड है। और जो सेकंड प्लांट लिया है जिसको मैं अगर फीमेल मान लूं तो बेटर होगा, ये फीमेल इसको मान लेंगे, इसको मेल मान लेंगे, ठीक है। आपको मैंने बताया था ना, जब मैंने बताया था कि मेंडल ने जब क्रॉस कराया तो क्रॉस में दो तरह के क्रॉस होते हैं, एक सेल्फ क्रॉस होता है, तो सेल्फ तो नेचुरली भी होता है, बट जो दूसरा होता है वो होता है क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पे आप क्या करा रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेशन करा रहे हैं। और क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या करना होता है, आप अपने डिजायर के अकॉर्डिंग आप क्रॉस कराते हैं, जिसको आप बोलते हैं आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन, आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन। क्योंकि आप यहाँ स्टडी कर रहे हैं तो ये हो गया आपका आर्टिफिशियल वर्क, ठीक है। यहाँ पे आपने एक मेल ले लिया और एक फीमेल लिया, और ये मेल और फीमेल लेने का मतलब ऐसा नहीं है कि पीक प्लांट जो है वो मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं।
हम क्रिएट करते हैं, हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। ठीक है, एक बार मैं बता दूं कि पी जो प्लांट है वो बाइसेक्सुअल होते हैं, उसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। आपको करना क्या है कि आपको स्टेमन को रिमूव कर देना है, आपको स्टेमन को रिमूव करना है। स्टेमन को जब आप रिमूव करते हैं तो वनली बचता क्या है उस फ्लावर में, उस फ्लावर में वनली फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रह जाता है, जिसको आप पिस्टल बोलते हैं, गाइनोशियम बोलते हैं। ठीक है, दूसरा जो आप लेते हैं प्लांट, उसका आप वनली पॉलन लेते हैं, और पॉलन लेके आप पहले वाले में क्या करते हैं, आप पॉलिनेशन कराते हैं, और इस तरीके से जब कराएंगे तो वो होगा क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट वाला प्लांट हमने लिया, एक बार फिर से आपको बता देता हूँ यहाँ पे डायग्राम के हल से। आप सपोज दैट आप यहाँ पे एक फर्स्ट जो है प्लांट ले रहे हैं, और उस प्लांट का अगर आप फ्लावर ले रहे हैं तो उसका आप क्या कर रहे हैं, स्टेमन को रिमूव कर रहे हैं, स्टेमन को रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, स्टेमन को रिमूव करेंगे तो उसको बोलेंगे ई मैस्कुलेशन बोलेंगे। क्या उसको बोलेंगे, ई मैस्कुलेशन बोलेंगे। ठीक है, जब भी आप क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं और अपने डिजायर के अकॉर्डिंग आप अगर आप मेल और फीमेल सेलेक्ट करते हैं, तो वहां पे एक प्लांट से आपको स्टेमन हटाना होता है और दूसरे प्लांट से आपको पॉलन लेना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो प्लांट मैंने लिया उसके फ्लावर से मैंने क्या किया, स्टेमन को रिमूव किया, स्टेमन क्या आपका मेन पार्ट है, इसको रिमूव कर दिया। अब उस फ्लावर के अंदर क्या रिटेन रह गया, उसके अंदर वनली फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रह गया। अब उस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे आप क्या करेंगे, आप दूसरे किसी प्लांट का आप क्या करेंगे, पॉलन लेके डस्टिंग कर लेंगे, दैट मीन्स कि आप क्रॉस पॉलिनेशन करा लेंगे। तो यहाँ पे भी मैंने यही किया है, यहाँ पे मैंने क्या किया है कि एक प्लांट लिया है जिसको मैंने कंसिडर कर लिया है किसी तरह फीमेल की तरह। ठीक है, आप अपोजिट भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने रेसिप्रोकल क्रॉस में कराया था, इसको आप फीमेल मान लो, ठीक है, और इसको आप मेल मान लो। ठीक है, इस वाले प्लांट से मैंने क्या किया, स्टेमन को रिमूव कर दिया, क्योंकि हम दूसरा कोई प्लांट लेंगे, दूसरे प्लांट के स्टेमन से पोलन लेंगे और वहां से क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे। ठीक है ना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें आप स्किप भी कर देंगे तो चलेगा, बट आपको ये पता होना चाहिए कि मेंडल ने जब क्रॉस पॉलिनेशन कराया तो कैसे कराया। तो आपको बताना होगा कि वहां पे जब आप दो अलग अलग प्लांट लेते हैं तो एक प्लांट को आप फीमेल मानते हैं और दूसरे प्लांट को आप मेल मानते हैं, और ये कैसे पॉसिबल है मैंने आपको बताया कि अगर आप फीमेल प्लांट आपको चाहिए तो आपको उस बाइसेक्सुअल पी प्लांट का जो स्टेमन है उसको रिमूव करना होगा। स्टेमन रिमूव करने को आप बोलते हैं इमैस्कुलेशन। ठीक है, और दूसरा जो प्लांट लेंगे उसका स्टेमन से आप पॉलन ले लेंगे, और पहले वाले जो फ्लावर है प्लांट, जिस प्लांट का फ्लावर है उस पर आप डस्टिंग कर देंगे, तो इस तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं एक्चुअल जो टॉपिक है उस पे आते हैं। जब टॉपिक आप स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आपने ये दो ले लिया प्लांट, और उस दो प्लांट में आपने अपने अकॉर्डिंग जो दो कैरेक्टर लिया उसके एलील्स को रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपको क्या करना है, इनके बीच में क्रॉस कराना है। तो क्रॉस कराने के लिए आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, आपको मियोसिस करना होता है। क्या करना होता है, मियोसिस। यहाँ भी आप मियोसिस करेंगे। ठीक है, हर एक स्टेप को आप प्रॉपरली मेंशन करेंगे। यहाँ पे हर एक स्टेप को आप प्रॉपरली मेंशन करेंगे। जब आप मियोसिस कराएंगे तो यहाँ जो गेमेट्स बनेगा उस गेमेट्स में आप दोनों जीन के दोनों एलील्स को ले लेंगे, जैसे कैपिटल वाई मैंने एक ले लिया और कैपिटल आर ले लिया। ठीक है, ये जो कैपिटल वाई है ये अपने आप में डिप्लॉयडी कंडीशन है पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, ये भी क्या अपने आप में डिप्लॉयडी कंडीशन है पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए। हमने मियोसिस कराया और मियोसिस के बाद आपको पता है गेमेट्स बनते हैं, और गेमेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने सिंगल वाई ले लिया और सिंगल आर ले लिया, और ये हैप्लॉयडी कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये क्या है, गेमेट है। ठीक है, आप यहाँ पे गेमेट मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, आपका सिंगल स्मॉल वाई और सिंगल आर ले लेंगे, ये भी क्या होगा, आपका गेमेट हो जाएगा। ठीक है, गेमेट फॉर्म हो गया। अब हम करना क्या, हमको हमको क्रॉस कराना है। ठीक है, मतलब हमको एफ वन जनरेशन को लाना है। एफ वन जनरेशन जब आप लाएंगे क्रॉस कराएंगे तो जो एलील का कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या बनेगा, कैपिटल वाई, ठीक है, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये बनेगा आपका। ठीक है, इसको आप अच्छे से मेंशन करिए, ये क्या है, एफ वन जनरेशन का रिजल्ट है, और यही चीज मैंने यहाँ पे मेंशन किया था। आप देखो यहाँ पे
यही चीज मैंने मेंशन किया था, और इसी चीज को आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, दोनों सेम थिंग है, बस क्या है एरियस का अरेंजमेंट चेंज हो गया, और यही क्या है आपका हाइब्रिड फॉर्म है, और इस हाइब्रिड फॉर्म को मैंने बताया था कि ये आपको फर्स्ट F1 जनरेशन में आपको मिलेगा। देखो यहाँ पे मैंने जब स्टेटमेंट बताया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, तो यहाँ हाइब्रिड वर्ड यूज किया था, और ये हाइब्रिड यहाँ पे दिख रहा है आपको कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई और कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर, तो ये हाइब्रिड कंडीशन है, ये कब मिल रहा है आपको F1 जनरेशन में मिल रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, अब F2 जनरेशन के लिए आप गेमिट्स बनाएंगे, आप F2 जनरेशन के लिए आप गेमिट्स बनाएंगे, और गेमिट्स बनाएंगे तो इसी के हेल्प से बनाएंगे, और मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। आपको F1 जनरेशन में क्या मिला, F1 जनरेशन में जो रिजल्ट मिला आपको वो मिला कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर मिला, ठीक है। अब करना क्या है, इससे गेमिट्स बनाना है, तो गेमिट्स मैं तो वैसे जो बनाता हूँ वो इस तरीके से बना लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि डाई हाइब्रिड तक गेमिट बनाना ईजी होता है, ठीक है। ये मैंने बना लिया है, एक कैपिटल वाई के साथ इस कैपिटल आर को ले लिया, दूसरा कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर ले लिया, ठीक है, सिमिलरली स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर ले लिया, ठीक है, और अगेन स्मॉल वाई के साथ स्मॉल आर ले लिया, तो ये 4 टाइप्स के गेमिट्स बन गए, ठीक है। ऐसे आप बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट अगर आपको प्रोफेशनली और भी मतलब परफेक्ट तरीके से बनाना है तो उसका तरीका ये है कि आप साइड में क्या करो, आप एक कोई ले लो, आप एलियन किसी एक कैरेक्टर का एलियन ले लो, सपोज दैट मैंने कैपिटल वाई लिया, तो कैपिटल वाई का जो कॉम्बिनेशन है वो कैपिटल आर के साथ भी है और स्मॉल आर के साथ भी है, ठीक है। सिमिलरली स्मॉल वाई के साथ जो है दो पॉसिबिलिटी है, वो है कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक है। अब दोनों पॉसिबिलिटी को यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए, जैसे कैपिटल वाई का कैपिटल आर के साथ होगा तो फर्स्ट जो गेमिट बनेगा कैपिटल वाई कैपिटल आर बनेगा, जो दूसरा कॉम्बिनेशन बनेगा वो कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ होगा, देन स्मॉल वाई कैपिटल आर यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है, देन स्मॉल वाई और स्मॉल आर यहाँ पे ले लेंगे। तो ये जो आपने बनाया है, ये क्या है, एक तरीके से गेमिट्स है, ये क्या है गेमिट्स है, और ये गेमिट्स जो है F2 जनरेशन के लिए है, और यहाँ पे आपने क्या किया, एलील्स को प्रॉपरली अरेंज किया, ये फर्स्ट मेथड था, इस मेथड से भी आप बना सकते हो, इस मेथड से भी बना सकते हो, ठीक है, आप इसमें से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टोटल जो नंबर ऑफ गेमिट्स बन रहे हैं वो 4 बन रहे हैं फॉर F2 जनरेशन, ठीक है, 4 बन रहे हैं फॉर F2 जनरेशन। अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे एक गेमिट का कितना परसेंट रोल है, तो आप बताएंगे कि 25% रोल है F2 जनरेशन के लिए, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देना होगा कि गेमिट्स कैसे पे। एक क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन ये है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में कितने नंबर ऑफ गेमिट्स बनते हैं, तो आंसर है आपका 4। आंसर क्या है, 4 यहाँ पे गेमिट्स बनेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस में, वो भी कब, जब आप F2 जनरेशन की बात करेंगे, F2 जनरेशन लाने के लिए आपको यहाँ पे 4 गेमिट्स की जरूरत होती है, और आपने यहाँ पे बनाया भी है, फर्स्ट मेथड बनाने का ये है और सेकंड मेथड ये है, इसमें से कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसको अगर आप फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो और अच्छी बात है, क्योंकि फॉर्मूले से क्या होगा कि आप अदर भी जो ट्राई हाइब्रिड टेट्रा हाइब्रिड जो होंगे वहां पे आप उस फॉर्मूले से नंबर ऑफ गेमिट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूला, जो गेमिट का फॉर्मूला बनेगा, मतलब गेमिट बनाने का जो फॉर्मूला है वो कैसे है, 2n, n क्या है नंबर ऑफ ट्रेड, ये क्या है नंबर ऑफ ट्रेड है, ट्रेड मीन्स आपको मैंने पहले भी बताया है कैरेक्टर, ट्रेड मीन का मीन्स मतलब यहाँ पे क्या है कैरेक्टर्स है, जब आप इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, यहाँ पे एक्चुअली क्या करा रहे हैं आप, डाई हाइब्रिड क्रॉस करा रहे हैं, और डाई हाइब्रिड में ट्रेड्स जो है वो कितने हैं, 2 हैं, ट्रेड्स मीन्स कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स मैंने यहाँ पे 2 ले रखा है, आप देखो यहाँ पे 2 कैरेक्टर मैंने लिया है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूले में पुट करूंगा वो क्या होगा, 2n/2 हो जाएगा और टोटल क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। 4 क्या है नंबर ऑफ गेमिट्स है, ये क्या है नंबर ऑफ गेमिट्स है, और यही वो गेमिट्स है, आप देखो फर्स्ट गेमिट सेकंड गेमिट थर्ड गेमिट्स फोर्थ गेमिट्स, ये अभी जो मैंने गेमिट्स बनाया था उसको मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया आपके सामने, देखो ये क्या है गेमिट्स है, ठीक है। आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि ये फीमेल गेमिट्स है और ये आपका मेल गेमिट्स है, इधर मेल गेमिट्स को मैंने रिप्रेजेंट किया और इधर फीमेल गेमिट्स को रिप्रेजेंट किया, ठीक है।
कैपिटल Y कैपिटल R फर्स्ट एलिमेंट है, देन कैपिटल Y स्मॉल R स्मॉल Y कैपिटल R स्मॉल Y स्मॉल R, और सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको क्रॉस कराना है, ठीक है। क्रॉस जब कराएंगे तो 1:1 हम क्रॉस कराएंगे। आप मेरे पेन के पॉइंट को ध्यान देना, और आपको एक बार जब समझा दूंगा 1 or 2 ब्लॉक, तो उसके बाद से आपको सारा ब्लॉक समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब आप इस पुनेट स्क्वायर चार्ट को बनाएंगे तो आपको ध्यान देना होगा चार्ट को, कि जब चार्ट बनाएंगे तो आपको गेमिट्स के अकॉर्डिंग चार्ट बनाने होंगे। आप देख रहे हैं यहाँ मैंने जो वर्टिकल कॉलम ले रखा है वो 1, 2, 3, 4 है, ठीक है। और यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लिया है उसमें भी क्या है आपका 1, 2, 3, 4 है। तो आपके गेमिट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉलम दिख रहे हैं आपको, आप वैसे ही बनाएंगे। अब आप क्या करेंगे, आप 1:1 क्रॉस कराने की कोशिश करेंगे। जैसे फर्स्ट आप देखो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, ध्यान देना, फर्स्ट को ध्यान दे दिया तो बाकी सब समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पे लिया कैपिटल Y, ठीक है, यहाँ पे मेंशन है। आप एक साइड बॉक्स के एक साइड में टॉप में आप इसको मेंशन करेंगे, ये स्पेस खाली रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप फिनोटाइप लिखेंगे और बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी आपको, तो स्पेस होना चाहिए। स्टूडेंट फर्स्ट टाइम बनाता है तो वो कहीं भी लिख देता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप डाई हाइब्रिड क्रॉस या कोई भी क्रॉस कराइए तो लिखने का तरीका आपका अच्छा होना चाहिए, लिखने का आपका तरीका अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे मैं 1:1 क्रॉस कराऊंगा, और आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे जो एलियस है गेमिट्स के अंदर, ठीक है ना, वो एलियस में ले रहा हूं तो कैसे लिख रहा हूं। और जब आप लिखेंगे तो ध्यान देंगे कि जब भी लिखेंगे आप इस बॉक्स में अपर साइड में लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि नीचे जो है आपको फिनोटाइप लिखना होता है और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे मेंशन करनी होती है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि जब भी आप क्रॉस कराइए, जब भी क्रॉस कराइए तो क्रॉस कराते समय आपको नीट एंड क्लीन लिखना है, क्योंकि एक बार अगर गलत लिख दिया तो आप कंफ्यूज रहते हैं। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ क्लास ट्वेल्थ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम बनाते हैं तो कहीं भी कुछ भी लिख देते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। जो नीट टारगेट स्टूडेंट है वो उसको तो पता होता है कि कैसे लिखना है, और वैसे भी इनको नीट के स्टूडेंट्स को जो है पूरा कंप्लीट डेरिवेशन नहीं करना होता है, उनको प्रैक्टिस होती है, वो शॉर्टकट कर लेते हैं बच्चे, ठीक है ना, उनको ओनली क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करनी होती है, तो उनको ज्यादा चार्ट के बारे में नहीं सोचना है, और सोचना भी है तो उनको मैं बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आप फॉलो करेंगे तो उनको भी हेल्प मिलेगा, ठीक है ना। वैसे क्लास ट्वेल्थ के लिए स्पेशली इंस्ट्रक्शन है कि आप जब भी कोई भी पुनेट स्क्वायर बनाइए तो प्रॉपरली मेंशन करिए, स्पेस मैनेजमेंट होना चाहिए, हर एक पॉइंट लेवल होना चाहिए, तभी आपको पूरा क्रॉस समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1:1 क्रॉस शुरू कर रहा हूँ, ध्यान देना मैं कैसे कैसे एलियस को ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिया कैपिटल Y और कैपिटल Y पहले, ठीक है, ये ले लिया कैपिटल Y कैपिटल Y, ठीक है, देन कैपिटल R और कैपिटल R, ठीक है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सिमिलरली जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ और यहाँ के बीच में क्रॉस होगा, तो यहाँ क्या है कैपिटल Y, यहाँ भी क्या है कैपिटल Y, यहाँ लिख लिया मैंने कैपिटल Y कैपिटल Y, यहाँ कैपिटल R और यहाँ पे क्या है स्मॉल R, ठीक है, आप देख सकते हैं। सिमिलरली आप देखो कैपिटल Y स्मॉल Y कैपिटल R कैपिटल R, ठीक है, तो उसको लिख देते हैं एक बार, फिर यहाँ पे देखो आप और यहाँ पे देखो आप, यहाँ क्या है कैपिटल Y, यहाँ क्या है स्मॉल Y, तो कैपिटल Y स्मॉल Y कैपिटल R स्मॉल R, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आप देखो कैपिटल Y इसका और इसका मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना कैपिटल Y यहाँ भी है, कैपिटल Y यहाँ भी है, कैपिटल R और यहाँ क्या है स्मॉल R, ठीक है। देन इसको मैं क्रॉस कराऊंगा कैपिटल Y कैपिटल Y स्मॉल R स्मॉल R, ठीक है, देन इसका कैपिटल Y स्मॉल Y, ठीक है, कैपिटल R स्मॉल R, आपको बस ध्यान से देखना है और रीड करना है कि क्या वहां एलिट मेंशन है, उसके बाद से आप इजीली सब कुछ कर लेंगे आप। फिर आइए इसको और इसको, यहाँ पे क्या है कैपिटल Y स्मॉल Y, देन स्मॉल R स्मॉल R, ठीक है। सिमिलरली ऐसा आप सारा कर लेंगे, ठीक है ना, जैसे मैंने ये बताया इसके अकॉर्डिंग आप सारा फिलअप कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ये सारे जो एलियल्स के अरेंजमेंट हैं क्रॉस करा के मैंने मेंशन कर दिए, ठीक है। आप इसको अच्छे से स्क्रीन को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके इसको आप
नोट कर सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि जो मैंने रेड पेन से यहाँ पे मेंशन कर रखा है वो सारे के सारे क्या है, फिनोटाइप है। वो क्या है, फिनोटाइप है, जिसको मैंने मेंशन कर दिया। एक बार आप देखो यहाँ पे कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, तो ये क्या होगा आपका येलो राउंड होगा। मैंने आपको बताया था कि जितने भी कैपिटल वाले होते हैं अकॉर्डिंग टू मेंडल, अकॉर्डिंग टू मेंडल जितने भी कैपिटल वाले होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं और उन्हीं का एक्सप्रेशन आता है। जहां पे भी आप देखेंगे कैपिटल वाई उसके अकॉर्डिंग आप एक्सप्रेशन को मेंशन करेंगे। आप यहाँ पे देखो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर यहाँ पे मेंशन है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, येलो राउंड लिख रखा है। ठीक है, तो ऐसे आप हर एक एलियल्स को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, और ध्यान से देखने के बाद उसके फिनोटाइप को आप मेंशन करेंगे। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए कि जो डोमिनेंट होगा वह हेटरोजाइगस और होमोजाइगस दोनों में एक्सप्रेस करेगा, और जो रेसेसिव होगा वो ओनली होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, जब आपको स्मॉल वाई दिखेगा तभी ये एक्सप्रेस करेगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ ओनली कैपिटल वाई का एक्सप्रेशन शो होगा। सिमिलरली जब आप स्मॉल आर देखेंगे तो वहां पर ओनली एक्सप्रेस करेगा, ये कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ स्मॉल आर एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो ये चीज आपको थोड़ा नोटिस करना होगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ का एक्सप्रेशन आपको जब आप फिनोटाइप का एक्सप्रेशन मेंशन करेंगे तो कुछ बातें आपको ध्यान देनी होंगी। ठीक है, वो बातें क्या है कि जब आप डोमिनेंट को मेंशन करेंगे तो डोमिनेंट मैंने बताया है कि डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस करता है और हेटरोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस करता है। बट जब आप रेसेसिव की बात करेंगे तो रेसेसिव ओनली होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करता है, और ये बातें मैंने पहले भी बताई है आपको, और यही चीज यहाँ पे फॉलो करना है। और मैं यहाँ पे आपको तीन एग्जांपल दूंगा, एक प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट का दूंगा, एक हेटरोजाइगस का दूंगा डोमिनेंट का, और दूसरा रेसेसिव का दूंगा। ठीक है, उससे आपको ये चार्ट बनाने में आसानी होगी। इस चार्ट में आप फिनोटाइप आसानी से मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखो यहाँ पे कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। ठीक है, तो यहाँ येलो होगा क्योंकि यहाँ क्या है डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन है, तो आप इजिली यहाँ पे येलो लिख सकते हैं। और सिमिलरली यहाँ पे देख रहे हैं डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन कैपिटल आर भी है, तो यहाँ पे आप राउंड लिख सकते हैं। बट जब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कैपिटल वाई क्या है आपका डोमिनेंट तो हो गया, बट जब कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर होगा तो आपको पता है कि स्मॉल आर जो है वो सप्रेस हो जाएगा कैपिटल आर के एक्सप्रेशन से, और ओनली यहाँ पे कैपिटल आर का एक्सप्रेशन फिनोटाइप में दिखेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है राउंड, क्या लिखा है राउंड। ठीक है, बट जब आप ये एग्जाम्पल देख लो, आप ये वाला एग्जाम्पल, तो यहाँ पे क्या है आपका, ये है हेटरोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, और हेटरोजाइगस डोमिनेंट में कैपिटल वाई है, तो कैपिटल वाई जो है स्मॉल वाई के एक्सप्रेशन को सप्रेस कर देगा और ओनली कैपिटल वाई का एक्सप्रेशन यहाँ पे आएगा, और कैपिटल वाई का एक्सप्रेशन क्या है येलो है। ठीक है, बट जब आप स्मॉल आर देखेंगे तो ये क्या है रेसेसिव है और होमोजाइगस में कंडीशन में। मैंने आपको बताया कि रेसेसिव को जब एक्सप्रेस करना होगा तो वो होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा, दैट मींस कि ये एक्सप्रेस करेगा। और स्मॉल आर जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है रिंकल को। वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिंकल को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये मैंने तीन तरह के एग्जांपल्स बताए आपको। एक और एग्जांपल देख लो आप, यहाँ एक और एग्जांपल देखो आप, स्मॉल वाई स्मॉल आर, तो यहाँ पे दोनों क्या है होमोजाइगस कंडीशन में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ग्रीन और रिंकल मेंशन किया। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देना होगा कि कैसे आप फिनोटाइप को मेंशन करेंगे और उसी के बिहार पे ये पूरा फिनोटाइप आप मेंशन कर देंगे प्रॉपरली। ठीक है, अब फिनोटाइप जब आप मेंशन कर देंगे तो उसके बाद से आप फिनोटाइप रेशियो मेंशन करेंगे, और देन उसके बाद से जीनोटाइप, और देन जीनोटाइप का रेशियो आप मेंशन करेंगे। ठीक, यहाँ पे जब आप फिनोटाइप रेशियो मेंशन करेंगे तो जो रेशियो आएगा वो आएगा 9:3:3:1 आएगा। ठीक है ना, और इस चीज को हम लिख के समझने वाले हैं अभी। ठीक है, डाइहाइब्रिड क्रॉस में जब आप पुनेट स्क्वायर चार्ट बनाते हैं तो यहाँ पे आपको क्रॉस कराते समय ध्यान देना होता है, और देन उसके बाद जब आप बॉक्सेस में इंडिविजुअल बॉक्सेस में जब फिनोटाइप मेंशन करते हैं तो वहां पे आपको एलील्स को रीड करके और फिर इंडिविजुअली फिनोटाइप को मेंशन करना होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि कैसे हम फिनोटाइप को मेंशन करेंगे, वहां पे आपको हर एक लेटर पे ध्यान देना होगा, कौन सा लेटर का अरेंजमेंट कैसे है, तो उसके अकॉर्डिंग आप फिनोटाइप मेंशन करते हैं। ठीक है,
ये ध्यान देने के बाद फिर हम क्या करते हैं, फिनोटाइप, फिनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो मेंशन करते हैं, ठीक है, जिसका मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया है। ये अगर आपका परफेक्ट है तो ये परफेक्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। और जेनेटिक्स की एक खास बात ये होती है कि जब आप कहीं भी मिस्टेक करते हैं तो आपको वो आगे रिजल्ट लाने में प्रॉब्लम लाता है, ठीक है, रिजल्ट्स नहीं आते हैं। तो आप अगर कहीं पे भी यहाँ पे रॉन्ग आपका प्रोसीजर होगा या कोई भी रॉन्ग एलील्स आपने लिया होगा तो यहाँ पे रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। वैसे आपको बेटर ये होता है कि आप रिजल्ट्स को लर्न कर लीजिए, रिजल्ट्स को अगर लर्न कर लेंगे तो आप जब क्रॉस या क्रॉस कराने के बाद जब जीनोटाइप और फिनोटाइप को मेंशन करते हैं तो वहां पे गलत होने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ फिनोटाइप रेशियो की और जीनोटाइप रेशियो की। अगर फिनोटाइप रेशियो जीनोटाइप रेशियो का आप एक बार अगर आप उसको मेमोराइज कर लेते हैं, उसको लर्न कर लेते हैं तो आपको मिस्टेक होने के चांसेस कम होते हैं। यहाँ पे आप देखो ये फिनोटाइप रेशियो है और ये जीनोटाइप रेशियो है, ये एक बार अगर लर्न कर लेते हैं डाई हाइब्रिड के लिए, ठीक है ना, डाई हाइब्रिड में ये एफ टू जनरेशन की बात कर रहा हूँ, ये जो चार्ट बना है ये एफ टू जनरेशन का चार्ट बना है, ठीक है ना। तो इसमें भी ध्यान देना होगा कि आपने जो चार्ट बनाया है वो एफ टू जनरेशन का है और एफ टू जनरेशन में आप फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो को आपको लर्न करने की बात हो रही है। यहाँ पे आप देखो यहाँ पे फिनोटाइप रेशियो क्या है, 9:3:3:1 है, इसको लर्न कर लेंगे। देन जीनोटाइप रेशियो क्या है, 1:2:4:2:2:1:1:2, ठीक है, देन 1:1, ये आपका जीनोटाइप रेशियो है, ठीक है। इसको और इसको आप लर्न करेंगे तो जब आप चार्ट को बनाएंगे तो कहीं से भी गलत होने के चांसेस कम होंगे, ठीक है। वैसे आप इसको निकाल सकते हैं, इसको डिराइव कर सकते हैं, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे डिराइव भी किया है। बट जैसे होता है ना कि आपके मिस्टेक कम हो इसके लिए आपको अगर याद हो जाता है तो बेटर होता है, ठीक है। मिस्टेक से बचने के लिए अगर आप याद कर लेते हैं तो अच्छा होता है, क्योंकि एक बार आप क्रॉस चेक कर लेते हैं, आप जब पूरा सब कुछ कर लेंगे तो आप अपने लर्न किए हुए जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो से एक बार इसको मैच करा लेंगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि आपने किया। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम फिनोटाइप को मेंशन करेंगे, ठीक है। फिनोटाइप क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि जब भी कोई भी कैरेक्टर एक्सटर्नली जब ऑब्जर्व करते हैं, जैसे यहाँ पे एक्सटर्नली सीट का मैंने कलर ऑब्जर्व किया और शेप ऑब्जर्व किया, तो वहां पे यहाँ पे आपको फोर पॉसिबिलिटी दिखने को मिल रहे हैं। जैसे फर्स्ट जो पॉसिबिलिटी है वो है येलो राउंड, देन सेकंड पॉसिबिलिटी है येलो रिंकल, थर्ड पॉसिबिलिटी है ग्रीन राउंड, फोर्थ पॉसिबिलिटी है ग्रीन रिंकल। ये फिनोटाइप के फोर पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, और ये एक्सटर्नली आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। सीड को आप लेंगे, सीड का कलर देखेंगे, सीड का शेप देखेंगे और उसके बिहाव पे आप कैटेगराइज कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये सारे जो फिनोटाइप है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जब आप मेंशन करेंगे फिनोटाइप को तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा ये। और देन आप क्या करेंगे, आप काउंट करेंगे कि येलो राउंड वाले कितने हैं, येलो रिंकल्ड वाले कितने हैं, ग्रीन राउंड वाले कितने हैं और ग्रीन रिंकल्ड वाले कितने हैं, आप इसी में काउंट करेंगे। जब आप काउंट करेंगे तो येलो राउंड जो होगा वो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होगा, ये 9 हो गया आपका, ठीक है। देन येलो रिंकल्ड को जब काउंट करेंगे तो आपका हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा, ये 3 हो गया, ठीक है। देन ग्रीन राउंड को जब काउंट करेंगे तो ग्रीन राउंड 1 2 3 हो गया, ठीक है, और ग्रीन रिंकल को जब आप काउंट करेंगे तो ये हो गया आपका 1, ठीक है। तो ये आपका 9:3:3:1 आ गया, ये फिनोटाइपिक रेशियो है, इसको लर्न करना होगा। और ये किसके लिए है, एफ टू जनरेशन के लिए, ध्यान देना होगा ये किसके लिए है, एफ टू, ये सब कुछ एफ टू जनरेशन के लिए है, किसके लिए है, एफ टू जनरेशन के लिए। देन अब आते हैं जीनोटाइप पे, जीनोटाइप थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जीनोटाइप को आपको बहुत ध्यान से माइन्यूटली आपको हर एक बॉक्स में ध्यान देना होगा कि कौन कौन से एलील्स हैं, कौन कैपिटल है, कौन स्मॉल है, ये सारी बातें आपको ध्यान देनी होगी और देन उसके बाद से आपको ये जीनोटाइप आप लिख सकते हैं, ठीक है। अभी जो फर्स्ट आपका कैरेक्टर था वो था येलो राउंड, और येलो राउंड का जीनोटाइप जब आप लिखेंगे तो आपको बताया था ना कि ये वाले जो हैं ये क्या हैं, येलो राउंड वाले हैं, तो इसको आपको फोकस करना होगा। जब आप इसको फोकस करेंगे, इसको रीड करेंगे तो आपको यहाँ पे जो जीनोटाइप मिलेगा वो ये दिखेगा आपको, ये जीनोटाइप है, ठीक है ना, ये क्या है, जीनोटाइप है, जिसमें 1 2 3 4 टाइप को आपको मिल रहा है, ठीक है। आपसे कोई पूछे कि येलो राउंड में कितने टाइप के जीनोटाइप है,
कितने टाइप के जीनोटाइप है, तो आंसर होगा फोर। क्या होगा? फोर। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ नीट में। येलो राउंड में कितने टाइप का जीनोटाइप है, तो आपके सामने यहां पे दिख रहा है 1 2 3 4। ठीक है, कैसे इसको निकालेंगे? आप इंडिविजुअली हर बॉक्स में जाएंगे, येलो राउंड का जो भी बॉक्स होगा उसमें इंडिविजुअली जाएंगे और एलियल्स को देखेंगे, जो सेम टाइप का होगा उसको एक बार लिखेंगे, देन ऐसे करके आप रीड कर करके उसको नोट करना स्टार्ट करेंगे। मैं बता दे रहा हूं एक बार आपको, जैसे कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर है, तो यहाँ पे ओनली वन है तो वो मैंने वन लिख दिया। देन कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर है, तो इसको आप सर्च करेंगे कि कितने इतने हैं, इसमें कितने इस टाइप के जीनोटाइप हैं, तो जब सर्च करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर जब सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर टोटल 4 मिलेंगे। सिमिलरली जब आप कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर जब रीड करेंगे तो आपको मिलेगा 2। ठीक है, जब आप ऐड करेंगे 1 2 4 2 को तो टोटल कितना आएगा, 9, और 9 यहाँ पे भी है। ठीक है, तो ये क्रॉस चेक कर लेंगे कि हमने सही निकाला या गलत निकाला। ठीक है, जब आप जीनोटाइप को लिखते हैं तो जीनोटाइप को लिखने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, हर एक फिनोटाइप के कैरेक्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सेग्रीगेट कर लेते हैं, मतलब अलग अलग कर लेते हैं। जैसे कि येलो राउंड को मैंने ये मेंशन कर दिया कि येलो राउंड वाला एरिया ये है। ठीक है, अब इसमें हम इंडिविजुअल जो है बॉक्स में जीनोटाइप की स्टडी करेंगे, इंडिविजुअल लेटर्स पे फोकस करेंगे, और जब इंडिविजुअल लेटर्स को फोकस करेंगे तो ये 4 टाइप के जीनोटाइप्स दिखेंगे। ठीक है, ये 4 टाइप के जीनोटाइप्स आपको दिखेंगे, जिसमें फर्स्ट जो है वो क्या है, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर है। तो कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर इसमें कितने हैं, ये हम रीड करेंगे, और जब रीड करेंगे तो आपको सिंगल मिलेगा, तो यहाँ पे आप सिंगल लिखेंगे। सिमिलरली कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया, और देन इसको आपने रीड किया कि ये इस टाइप का कितना है यहाँ पे, तो जब आपने रीड किया तो इस टाइप का ओनली आपको 2 मिलेगा, एक ये और एक ये मिलेगा आपको। ठीक है, तो जब 2 मिलेंगे तो यहाँ आप 2 मेंशन कर देंगे। सिमिलरली कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर जब आप रीड करेंगे तो ये आपको टोटल 4 मिलेंगे, टोटल ये डायगोनल पोजिशन पे आपको मिलेंगे। ठीक है, अगर मेरे अकॉर्डिंग अगर गेमिट्स अरेंज किया है क्रॉस करा है तो आपको डायगोनल वाले प्लेस पे आपको क्या मिलेगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर मिलेगा, और टोटल नंबर कितने हैं कि 4 है। तो मैंने यहाँ पे रीड करके काउंट किया और काउंट करने के बाद से यहाँ 4 मेंशन कर दिया। देन नेक्स्ट आते हैं कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर या कैपिटल आर। ठीक है, तो ये वाले कितने हैं, ये 1 है और 2 है। ठीक है, तो वहां पे मैंने 2 क्लिक दिया। ठीक है, ऐसे ही आप येलो रिंकल के लिए भी देखेंगे, येलो रिंकल कितने हैं, 3 हैं, तो इनकी पॉसिबिलिटी जीनोटाइप की कितनी है, 2 है। ठीक है ना, जो येलो रिंकल की जीनोटाइप की पॉसिबिलिटी है वो 3 है, आपने यहां मेंशन किया है, तो आप यहां पे रीड करेंगे, आप हर एक बॉक्स को रीड करेंगे कि येलो रिंकल वाले कौन कौन से बॉक्स है, तो यहां पे ये दिख रहा है आपका, और फिर ये दिख रहा है, और ये दिख रहा है। आप यहाँ पे तीनों बॉक्स में आप देखेंगे कि किस टाइप का है, यहाँ पे एलील है, यहाँ पे लेटर्स कैसे मेंशन है, कौन एक जैसे है और कौन डिफरेंट है। जब आप रीड करेंगे तो आपको दिखेगा क्या कि ये वाला जो है ये और ये दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, सेम है, तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, कैपिटल वाई स्मॉल आर, और यहाँ पे नंबर लिखा आपने 2, क्योंकि यहाँ पे कितने नंबर में है, 2 नंबर में। ठीक है, और जो ये आपका दिख रहा है कैपिटल वाई स्मॉल आर ये ओनली 1 है, तो यहाँ पे आपने ओनली 1 मेंशन किया। ठीक है, वैसे ही जब आप यहाँ पे आएंगे ग्रीन राउंड में आएंगे, तो ग्रीन राउंड में आप देखिए टोटल, तो फिनोटाइप में देखेंगे तो आप फिनोटाइप रीड करेंगे तो स्मॉल वाई कैपिटल आर वाले कितने हैं, यहाँ पे 1 है। ठीक है, और जब आप स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर जब सर्च करेंगे तो यहाँ पे ये दोनों है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 2 लिखा और इसका 1 लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे 1 ही है। ठीक है, और ये जो ग्रीन रिंकल्ड है ये तो सिंगल ही है, फिनोटाइप में भी है और जीनोटाइप में है, वो कौन सा है, ये लास्ट वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे क्या हो गए, जीनोटाइप रेशियो हो गया और ये फिनोटाइप रेशियो है। ये आपने ऐड कर लिया तो आएगा कितना, 9 आएगा, ये ऐड किया तो कितना आएगा, 3 आएगा, ये ऐड किया तो कितना आएगा, 3 आएगा, ये 1 का 1 ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, जब आप सब कुछ मेंशन कर देते हैं तो आप क्रॉस चेक फिनोटाइप से जीनोटाइप से कर लेंगे, तो वो भी एक आपका परफेक्शन का एक मेथड हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से डाई हाइब्रिड क्रॉस आपको
बनाएंगे, ठीक है। और इसमें आपने देखा कि जो भी आपने यहाँ पे गेमेट्स लिया था, और गेमेट्स जो है वो अलग अलग फीमेल या मेल गेमेट्स के साथ कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, एसॉर्ट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? एसॉर्ट हो रहे हैं, और वो इंडिपेंडेंटली क्या कर रहे हैं, नया नया कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, और नए कॉम्बिनेशन के साथ ये डिफरेंट टाइप के फिनोटाइप या जीनोटाइप की पॉसिबिलिटी दिख रही है। और ये तभी हो सकता है जब गेमेट्स जो है इंडिविजुअली या इंडिपेंडेंट तरीके से दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे, और ऐसा जब होगा तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका आज का लेक्चर फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको टेस्ट क्रॉस जो है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस में अप्लाई करके बताऊंगा आपको, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट है, उससे एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये आपका आज का लेक्चर हो गया। आप आज के लेक्चर को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पे आप कोई भी लापरवाही नहीं करेंगे, ठीक है। बीच बीच में जब भी आपको वीडियो लेक्चर्स में स्क्रीन शॉट करने की जरूरत है तो आप स्क्रीन शॉट करिए, ठीक है, और नोट्स बनाइए, और इसकी 2-3-4 बार प्रैक्टिस करिए। अगर क्लास 12 स्टूडेंट्स है तो कम से कम 10 बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अगर एग्जाम में आ गया और प्रैक्टिस नहीं किया तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम होगी, क्लास 12 के लिए मैं बोल रहा हूँ। और जो नीट टारगेट स्टूडेंट है उसके लिए तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, मैं एक बार कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है तो फिनोटाइप रेशियो का, वो डायरेक्टली वो तो लर्न कर लेते हैं, सिंपल होता है। सेकेंड जो है जीनोटाइप पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जीनोटाइप में जैसे पूछेगा कि कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर के कितने जीनोटाइप की पॉसिबिलिटी, कितने नंबर में है ये, तो वो नंबर में 2 है, ठीक है। देन ऐसे ही सबके लिए क्वेश्चन बन सकता है, देन जीनोटाइप रेशियो पे भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, और मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, आप क्वेश्चन को देखना और सोचना, उसके बाद आपको मैं वो क्वेश्चन डिस्कस करके बताऊंगा जब आपको डाउट होगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।